नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, ये 2019 का जो हमारा टारगेट था, नवंबर टाइम प्लान था, उस पे बेस्ड ये टेस्ट नंबर वन है। ठीक है, उसमें जो सिलेबस मैंने बताया था आपको कि पूरी एंशियंट इंडिया हिस्ट्री की बुक थी, प्लस पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत के 1 से लेकर 12 तक चैप्टर थे, प्लस गवर्नमेंट स्कीम और प्लस जो करंट अफेयर मेरी जो PDF थी, और प्लस इकोनॉमी में जो मैंने चैप्टर्स बताए थे आपको, ज्योग्राफी में 6 से लेकर 10 तक जो बताए थे, ये उस पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये हमारा हर मंथली प्लान होता है, उस पे बेस्ड पूरा। ये मैंने बताया था आपको कि जैसे हम लोग नवंबर में एक टेस्ट करेंगे, ठीक है, और आगे जाके अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि इसमें फिर दिसंबर में 2 टेस्ट मिलेंगे, जनवरी फरवरी मार्च मार्च में भी 2 2 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, अप्रैल में 3 होंगे और मई में होंगे 3। तो ये 15 टेस्ट की अभी सीरीज़ है इसमें स्टार्टिंग में। सारा कुछ इसके पेड ग्रुप में इंक्लूडेड है, सारी PDF और प्लस सब कुछ, और प्लस जो भी चीज़ें करंट अफेयर्स GS सब कुछ यहाँ पे दिया जाएगा, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो समरी है जो एग्ज़ाम से पहले पढ़नी चाहिए, सब कुछ यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, अभी जो करंट अफेयर की मैंने PDF दी थी उसकी ट्रांसलेटेड वर्जन नहीं मिली है अभी तक, वो मैंने दे दिया है, आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में मिलेंगी। अब हमारे पास ट्रांसलेटर भी है, तो आप हिंदी मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं, आप तुरंत ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पेडबुक को नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे जो ये वीडियो है पूरा फ्री है, जितने भी वीडियोस आएंगे आगे टेस्ट सीरीज़ के सारे फ्री हैं। ये UPSC पैटर्न पे ही रहेंगे, अभी UPSC पैटर्न पे ही फॉलो करेंगे, फिर आगे चल के UPPCS वाले अलग से पेपर कुछ बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये पहला टेस्ट है आज, और जो भी PDF इसमें, एक बात और है जो मैंने बोला था आपको, ओल्ड NCERT जो बुक है RS शर्मा जी, इस पे बेस्ड था ये, इसके बेस्ड 250 क्वेश्चन जो है ओल्ड NCERT के वो मैंने बना लिए हैं, वो आपको पेड ग्रुप में थोड़ी देर में मिल जाएंगे। उसके लिए वीडियो अगर पॉसिबल होगा तो बना दिया जाएगा। अभी आप लोग टेस्ट देंगे, उसके बाद ये यहाँ से मिला लीजिएगा कि आंसर एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 2019 के लिए। ये ग्रुप सितंबर 2019 तक वैलिड रहेगा। देखिए, इसमें एक आध क्वेश्चन मैंने कोर से हट के डालते हैं, एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है ये कि अगर आपको एज अ वॉइस प्रेसिडेंट क्वालिफाई होना है, वॉइस प्रेसिडेंट में इलेक्ट होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये 4 चीज़ें दी हुई हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो सब पहले वाले का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी दे रहा हूँ मैं, पहले वाले का करेक्ट आंसर देखिए, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, तो ऑप्शन यहाँ पे हैं और इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, 1 2 3, अगर वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल एज होनी चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, बल्कि राज्यसभा के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो किस चीज़ के लिए, कि वो जो पर्सन हो वो क्वालिफाइड किस चीज़ के लिए होना चाहिए, राज्यसभा में इलेक्शन के लिए वो क्वालिफाई होना चाहिए, तब वो जाके वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, कौन कौन से एलिमेंट अभी फेरोमैग्नेटिक पाए गए हैं रूम टेम्परेचर में, ये इसलिए क्योंकि इसको करंट से रिलेटेड करके देख सकते हैं आप। तो अभी जो करंट में अगर आप देखेंगे तो एक रूदेनियम एलिमेंट करके है, उसको बताया गया कि वो भी जो है वो फेरोमैग्नेटिक है, तो इसीलिए करंट करके जोड़ा है मैंने यहाँ पे, और इसका आंसर बताइए यहाँ पे, 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका करेक्ट आंसर है सेकंड वाले का सी। ठीक है, ये चारों ही जो आपके एलिमेंट हैं ये रूम टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक पाए गए हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से हो गए आपके, रुदेनियम, आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये चारों के चारों जो मटेरियल हैं ये, मतलब इसकी जो है मैग्नेटिक, यूनिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं रूम टेम्परेचर में। अभी तक 3 थे सिर्फ, ठीक है, कौन कौन से थे अभी तक, ये आयरन, कोबाल्ट और निकिल, अब ये चौथा वाला जो फाउंड किया गया है वो है रुदेनियम, तो इसको मिला के हो गया 4। ठीक है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। थर्ड वाले क्वेश्चन का, ये वाला मैं वैसे क्वेश्चन आंसर बता चुका हूँ कई बार, हम लोगों ने देखा है कि इसमें पूछ रहा है कि जो GI टैक्स होते हैं उसमें रजिस्टर करने में नंबर वन कौन सा स्टेट है। ठीक है, इसका पूरा मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जैसे जो हमारा GI टैग होता है उसको कौन ये करता है, कौन सर्टिफाई करता है, एक DIPP करके डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में, वो GI टैग बांटता है। अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली लोगो लॉन्च किया था GI के लिए, ठीक है, उसकी टैगलाइन क्या थी, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, तो ये जो है ये टैगलाइन थी उसकी लोगो की, और ये जीता किसने था, आद्री चटर्जी ने जीता था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब कुछ मैंने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ लीजिएगा। वैसे इसका आंसर क्या होगा, कर्नाटक, कर्नाटक के सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट हैं वो जो हैं आपके ये रजिस्टर्ड हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं इसमें। ठीक है, कर्नाटक के यहाँ पे 38 प्रोडक्ट जो हैं वो GI में रजिस्टर्ड हैं, और उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके 32 हैं,
फिर तमिलनाडु है उसके 25 हैं, ठीक है, जोग्राफिकली, जो जोग्राफिकल सॉरी ये जो है ये इंडिकेशन वाला ये, ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो गया। फिर ये चौथा क्वेश्चन है आपके सामने कि इंटीग्रेट टू इनोवेट प्रोग्राम, ये जो है ये किस सेक्टर में स्टार्टअप के लिए जो है ये प्रोडक्ट स्टार्ट किया गया था, ये बताना है आपको। एनर्जी सेक्टर की, आपका एग्रीकल्चर की, एडुकेशन की, फार्मास्यूटिकल, बताइए, ऊर्जा, कृषि या फिर शिक्षा या दवा। इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ का ए, एनर्जी सेक्टर में और ज़्यादा स्टार्टअप्स आए इसीलिए जो ये प्रोग्राम चालू किया गया है इंटीग्रेट टू इनोवेट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए, एनर्जी सेक्टर में और ज़्यादा स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए। इसका क्या शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, I2I प्रोग्राम। I2I प्रोग्राम किस चीज़ के लिए है, ये 3 महीने का प्रोग्राम है स्टार्टअप्स के लिए जो पावर सेक्टर में है, ठीक है, ताकि जो आपके स्टार्टअप आने वाले हैं और प्लस जो लार्ज कॉरपोरेशंस हैं उनके बीच में कुछ कोलेब्रेशन किया जा सके। एक अगर आप देखेंगे एक ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, वो DIPP के अंडर में है वो भी, और वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में ही है। उसका मेन काम यही है कि जो इंडिया में नए नए इन्वेस्टमेंट लाना, प्लस अगर कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको फैसिलिटेट करना, और जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनको कुल मिला के इंडिया की तरफ खींचना, तो ये सब चीज़ों के लिए अभी I2I प्रोग्राम चालू किया गया था। फिफ्थ वाले का करेक्ट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, ये देखिए लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, बताइए इसमें फिफ्थ वाले का करेक्ट आंसर, ठीक है। फिफ्थ वाले का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ये ऑप्शन देख लीजिए, और इसका करेक्ट आंसर है ए, 1 और 3, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, नहीं देखिए फिफ्थ वाले का करेक्ट आंसर होगा सी, ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सॉरी यहाँ पे जो है नहीं, यहाँ पे ए वाला ही आंसर होगा एक्चुअली। ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये इंडिया में अगर आप देखेंगे ग्लोबल पार्टिसिपेशन का करीबन 4% मिलता है, 40% नहीं, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है और पहला और तीसरा सही है, इसलिए इसका आंसर है ए, ठीक है। जो लोग को पेड में दिया गया है सब कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये बताना है ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें ये कि क्रॉप है ये, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, फसल कोई पहचान करनी है आपकी, कौन सी फसल है ये, राइस, वीट, पल्सेस और टी, इनमें से कौन सी फसल है, चावल है कि गेहूं है कि दलहन है कि गाय सॉरी चाय है, ये जो है सिक्स वाले का करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है देखिए कि ये जो है स्टेपल फूड क्रॉप है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स इन इंडिया, मतलब ज़्यादातर जो भारत में लोग हैं उनके लिए ये स्टेपल जो क्रॉप है फूड क्रॉप सबसे ज़्यादा वो है चावल, और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ऑब्वियस सी बात है खरीफ क्रॉप है ये, हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, पानी बहुत चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी बहुत चाहिए होती है, एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये राइस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें ये कुछ यहाँ पर आपको बताने हैं, करेक्ट मैच करने हैं यहाँ पर 7th में से, ठीक है, ये कुछ इंस्क्रिप्शन कहाँ से किससे रिलेटेड हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उन सब चीज़ों से रिलेटेड है ये 7th, ये NCERT का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। 7th का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका सी होगा ये, यानी कि 3, 2, 1 जो है वो करेक्ट है, और 4 वाला करेक्ट नहीं है, जो रुद्र दमन है ये उनसे रिलेटेड है ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो जूनागढ़ जो शिलालेख है वो रुद्र दमन से रिलेटेड है, समुद्रगुप्त से नहीं। तो 7th वाले का करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 3, 4 वाला गलत है। 8th वाले में अगर आप देखेंगे अशोका के जो मेजर एडिक्ट थे उनसे रिलेटेड यहाँ पे है कि किस एडिक्ट में क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, सही मिलान बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 वाले का ए, ठीक है, 1 और 2 करेक्ट है यहाँ पे। और ये जो मेजर रॉक एडिक्ट यहाँ पे 11 नहीं है, जो फेम और ग्लोरी को कंडेम करता है वो है 10th नंबर का। देखिए मेजर रॉक एडिक्ट से रिलेटेड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना ये आपको जरूर देखनी चाहिए, एक मैं वीडियो इस पे बनाऊंगा अशोका के एडिक्ट के ऊपर पूरा, मेजर एडिक्ट और माइनर एडिक्ट सब, और प्लस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं UPPCS में, तो बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, UPSC में भी कई बार इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। 9th वाले क्वेश्चन का आपको बताना है यहाँ पे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं अशोका के इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड, ठीक है, कौन कौन से जो है स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है ये बताना है आपको, ठीक है। इसमें बताना है आपको इनकरेक्ट वाला ऑप्शन, 8th वाले में अगर आप बताएंगे यहाँ पे सॉरी 8th वाला तो हो चुका है यहाँ पे, 9th वाले बताना है कि इनकरेक्ट क्या है अशोका के इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड। इसका आंसर है सी, ठीक है, 1 और 2 जो है वो इनकरेक्ट है। ये जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे उसमें 3 तरह की लैंग्वेज यूज़ की गई थी और 4 तरीके की स्क्रिप्ट यूज़ की गई थी, ठीक है। 3 तरह की लैंग्वेज कौन कौन सी थी, प्राकृत
और ग्रीक और अरेमिक, ठीक है, और जो स्क्रिप्ट थी जो आपकी, वो कौन कौन सी यूज़ की गई थी? एक थी ब्राह्मी, एक थी खरोष्टी, ठीक है, और आपकी तीसरी जो एक और थी वो क्या नाम था उसका? देखिए अगर इसमें देखेंगे आप तो तीन लैंग्वेजेस थी यहाँ पे, ठीक है, तो पहला गलत है और दूसरा गलत है यहाँ पे। और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि, और चार तरीके की जो है लिपियाँ यूज़ की गई थी। लैंग्वेज कौन कौन सी थी? PGA यानी कि प्राकृत, ग्रीक और अरेमिक। और स्क्रिप्ट कौन कौन सी थी? ब्राह्मी एक स्क्रिप्ट थी और एक थी खरोष्टी स्क्रिप्ट, ठीक है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट को बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं ब्राह्मी को। और जो दूसरी थी खरोष्टी थी, खरोष्टी को दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं। और तीसरी थी यूनानी यानी कि ग्रीक, और चौथी थी अरेमिक। तो ये चार तरीके की स्क्रिप्ट थी, बाकी जो चौथा वाला वैसे ये 14 जो है ये आते हैं मेजर रॉक एडिक्ट में, ठीक है। तो 9th वाले का करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। 10th वाले में आपको करेक्ट मैच बताना है यहाँ पे, और इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। 2 और 3 करेक्ट है यहाँ पे। साम वेदा है जो गंधर्व वेद से रिलेटेड है, और आपका अथर्व वेदा जो है वो शिल्प वेद से रिलेटेड है, ठीक है, और जो ऋग वेदा है वो आयुर्वेद से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पे मिसमैच है, ऋग्वेदा आयुर्वेद से रिलेटेड है और यजुर्वेदा जो है एक्चुअली जो है ये वेदा का उपवेद है। तो ऋग्वेद का ये उपवेद है आयुर्वेद, और यजुर्वेदा का उपवेद है ये धनुर्वेद। तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ सकता है ये इम्पॉर्ट ये। और देखिए आयुर्वेदा जो है वो किससे रिलेटेड है? वो चिकित्सा शास्त्र से रिलेटेड है, आप जानते हैं। धनुर्वेद जो है वो वॉर से रिलेटेड है ये, ठीक है, युद्ध कला से रिलेटेड है। और गंधर्व वेद किससे रिलेटेड है? वो कला और संगीत से, ठीक है। शिल्प वेद किससे रिलेटेड है? वो भवन कला जो निर्माण मतलब बिल्डिंग विल्डिंग से रिलेटेड है। तो 10th वाले का करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें आपका 11th, इसमें आपको बताना है करेक्ट आंसर, और इसका करेक्ट आंसर है आपका किस चीज़ से रिलेटेड है, ये सब चीज़ें बतानी है यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर है सी, ये पाँचों ही चीज़ें सही है बिल्कुल, आप इसमें देख लीजिएगा। अलाहाबाद जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, और बाकी ये सब तो एंशियंट इंडिया के फैक्ट्स हैं एक्चुअली ये, ठीक है, कि स्नेक और लेडर को किसने किया था, ये ज्ञानदेव ने किया था। 0 डिजिट का है वैसे तो बोलते हैं कि किसी ने नहीं किया, लेकिन फाइनली जो बड़ा ये इसमें मतलब डिस्प्यूटेड चीज़ है, लेकिन ये आर्यभट्टा को ही माना जाता है नॉर्मल NCERT सोर्सेज में, ठीक है। पाई की जो वैल्यू है वो बुधायन ने, और टाइम टेकन जो अर्थ कितना टाइम लगाती है ऑर्बिट करने में सन में, ये भास्कराचार्य का। 11th का आंसर होगा सी। 12th में आपको बताना है इनकरेक्ट वाला, और इसका करेक्ट आंसर है इनकरेक्ट का डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ये पांचों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है बिल्कुल, ठीक है। तो ये पांचों स्टेटमेंट आप एक बार यहाँ पे पॉज करके पढ़ लीजिएगा, सब फैक्ट है ये और बहुत ज़रूरी फैक्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। स्टेट पीसेस वाले लोग तो इसको रट ही लीजिएगा, ठीक है। 13 वाले क्वेश्चन बताना है कि आपको ये जो रूल्स हैं इनको क्रोनोलॉजी में बताना है, कि पहले किसने इंडिया पे आक्रमण किया ये चीज़ बतानी, ग्रीक्स ने कि साका ने कि कुशन ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 13 वाले का ए, 1, 2, 3। इंडो ग्रीक्स या फिर बैक्ट्रियंस आए थे करीबन 190 BC में, साका और जो या फिर उनको सिथियंस बोलते हैं वो आए थे 90 BC में, और जो कुशान आए थे वो आए थे 45 AD में, ठीक है। तो पहले ग्रीक्स, फिर साका और फिर ये कुशान, इसका आंसर होगा ए। 14th वाले में बताना है आपको कि क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट करेक्ट दिए हुए हैं, और ये फैक्ट है एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री की जो बुक है उससे रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है। 14th वाले का करेक्ट आंसर होगा सी, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इसमें पांचवा वाला जो क्वेश्चन गलत है, कनिष्क के टाइम पे 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं हुई थी, ये हुई थी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, बाकी सभी जो है एकदम एग्जैक्टली करेक्ट हैं। फाइन आया था कब? चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे, और पुष्यमित्र किंग ने किसको मार दिया था? बृहद्रथ को, और सुंगा डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया था। वासुदेव कान्वा ने इस्टेब्लिश की थी कान्वा डायनेस्टी, लास्ट सुंगा जो रूलर थे है ये देवभूति को मार के, और फिर ये पांचों वाला गलत है, ठीक है। 15th क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, इनकरेक्ट वाला बताना है, और इसमें से आंसर होगा डी, ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं, कोई भी इनमें से इनकरेक्ट नहीं है। ये एक्चुअली आप अगर बुक पढ़ेंगे तो कई सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं, मैं बीच बीच से स्टेटमेंट छाट के लाता हूँ। एक बात और है कि पेड ग्रुप में जो एंशियंट इंडिया के लिए मैंने बताया अभी आपको, मैं 250 क्वेश्चन वो दे दूंगा, और प्लस मैं समरी भी बात चल रही है तो बहुत ही जल्द समरी भी मिल जाएगी आपको एंशियंट इंडिया की, ओल्ड NCERT वाली हिस्ट्री की, ठीक है। तो आप उसको ही पढ़िएगा, एग्ज़ाम से पहले आपको जरूर दे दी जाएगी, उसको रट लीजिएगा, ठीक है। और प्लस जो घटना चक्र की समरी मैंने आपको हिस्ट्री की देनी है मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वो जरूर पढ़ लीजिएगा,
पीडीएफ के लिए, ठीक है? तो वो पूरा समराइज है, वो पेड ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी, और कोशिश कर रहा हूँ मैं उस पर वीडियो भी बना दूँ। 16 वाले में बताना है आपको, यहाँ पे करेक्ट मैच बताना है, ठीक है, कि कौन सा कल्चर किससे रिलेटेड है, कहाँ पे मतलब लोकेटेड था ये। इसका करेक्ट आंसर है बी, 1, 2, 3, 4 है ये, पांचवा वाला गलत है। जो प्रभास था वो कोस्टल एरिया जो थे गुजरात के उसके आसपास था ये, बाकी चारों सही हैं। एक कयाथा कल्चर था ये चंबल जो रिवर है उसके आसपास है, मालवा कल्चर नर्मदा रिवर के आसपास, आहार कल्चर उदयपुर जो राजस्थान है उसके आसपास, और सवालदा जो कल्चर था धूलिया जो है महाराष्ट्र में उसके आसपास था ये, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। देखिए ये सब क्या है, ये चालकोलिथिक कल्चर हैं, और वो कहाँ पे लोकेटेड थे उनसे क्वेश्चन है ये। थोड़ा टिपिकल जरूर लग सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल, बहुत ही लीक से हट के था ये एरिया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो ज़रूरी है। 17 का बताना है आपको करेक्ट आंसर, यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है, आपको करेक्ट वाला बताना है 17 का। इसका करेक्ट आंसर है डी, ठीक है, 1 और 3 इसमें जो है करेक्ट है, 2 वाला गलत है। पार्श्वनाथ 24th नहीं थे, 23rd थे, बाकी ये दोनों सही है, ठीक है? तो जो ये अगर आप पहला स्टेटमेंट देखेंगे, मृच्छकटिकम में जो शूद्रका ने लिखा था उसमें क्या बताया गया है कि एक जो अमीर मर्चेंट था उसका नाम था चारुदत्त, और उसकी एक और एक डॉटर थी, मतलब उस टाइम के कोर्टिसन को बोलेंगे जो आपका दरबारी था, वसंत से ना उनके बीच की प्रेम कहानी थी ये। और फिर एक बात, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एक्चुअली, कि हर्षा को जब साउथवर्ड की तरफ वो मार्च कर रहे थे, साउथ में मतलब अटैक करने की तैयारी कर रहे थे, तो नर्मदा रिवर के आसपास किसने रोका था? चालुक्या का राजा था वातापी पुलाकेशिन 2, ठीक है? 17 का करेक्ट आंसर है डी, बीच वाला गलत है इसमें, सेकेंड वाला। 18 का करेक्ट आंसर बताना है इसमें, और इसका आंसर है करेक्ट ए है इसमें करेक्ट, ठीक है? पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। ये मंडल 3 है जिसमें गायत्री मंत्र जो है आपका ये है लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें कई सारे मंडल हैं, और जल्दी से इसका वो सीरीज़ बनाएंगे, ये कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पेड ग्रुप में मैं कुछ समरी इसमें देने जा रहा हूँ, एनसीईआरटी की जो समरी है पूरी, और पहले भी मैं दे चुका हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में मिल जाएगी आपको, ठीक है? और उसका मतलब वीडियो भी कोशिश किया जाएगा बनाया जाए यहाँ पे। 18 का करेक्ट आंसर आपको क्या है? ए है। 19 का करेक्ट आंसर है, 19 का करेक्ट आंसर बी है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है? इनको पढ़ूंगा नहीं मैं, आप देख लीजिएगा एक बार, जो एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पे देख रहा था। अब थोड़ा सा कई सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं तो उसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 20th क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, और उसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है? तीनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं ये, ठीक है? तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आप थोड़ा सा टाइम है इसको देख लीजिएगा एक बार। फिर ये इसमें से आपको बताना है इन चारों में से ऑड क्या है, मतलब विषम क्या है, बाकी 3 चीज़ें सेम है और एक चीज़ है वो गलत है, वो अलग है। मतलब इसका आंसर है ए, ये जो ऐत्रिया है ये क्या है, ये ब्राह्मणा जो ब्राह्मणा होते हैं ना, वो जैसे ऋग्वेद के अलग ब्राह्मणा हैं और यजुर्वेद के अलग हैं, ठीक है, सामवेद के अलग हैं, अथर्ववेद के अलग हैं, तो बाकी जो 3 हैं वो किसके ब्राह्मण हैं? वो यजुर्वेद के हैं। ये ऐत्रिया वाला है ये किसका है? ये आपका ऋग्वेद का है, ठीक है? तो ये इसीलिए ऑड हो गया यहाँ पे। 22 का क्वेश्चन का आंसर है करेक्ट, यहाँ पे क्या है, वेदांगा जो हैं जो कि वेदास की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए गए थे, वो उनमें से कौन कौन से 6 वेदांगा थे ये पूछा है इसमें से, ठीक है? तो 6 आपको याद होने चाहिए, इसमें से बताइए कौन कौन से हैं ये। 22 का करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7, ये दान चैरिटी वाला नहीं था, बाकी सब है। शिक्षा कल्पा यानी कि रिटुअल्स, व्याकरण यानी कि ग्रामर, निरुक्त यानी कि टाइमोलॉजी, और छंद यानी कि मैट्रिक्स, ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोनॉमी, 6 के 6 वेदांगा थे, ठीक है? 23 में कितनी ब्रांचेस जो हैं कंसीडर की जाती हैं अगर आप देखें इसमें, कि इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर करेक्ट है डी, 5 जो है वो ब्रांचेस हैं। अगर आप देखेंगे तो मेजर जो पुराण है वो 18 नंबर के हैं, और उनको जो है उसके हिस्टोरिकल स्टडी करने के लिए 5 तरीके के सब्जेक्ट मैटर थे, ठीक है? कौन कौन से, एक सर्ग था यानी कि यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर एक प्रतिसर्ग था कि इन्वोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड है, फिर एक मानवतंत्र था, ठीक है, कि टाइम से रिलेटेड था वो, फिर एक वंशा था, और एक वंशानुचरित्र था, सब दिया हुआ है पीडीएफ में, आप देख लीजिएगा आंसर जो इसकी पीडीएफ है।
सब हिंदी इंग्लिश में सब कुछ दिया गया है। 24 में आपको बताना है ये कुछ कंट्रीज दी हुई हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ यहाँ पे अर्बनाइजेशन में आपको यहाँ पे करना है, सी इसका आंसर होगा 3412। ये मैं बता चुका हूँ, इसको पूरा दिया हुआ है। देखिए जो लेटेस्ट 2018 का डेटा आया अर्बनाइजेशन का, उसके हिसाब से साउथ जो आपका ये एशिया में मोस्ट अर्बनाइज कंट्री कौन सा है, मोस्ट अर्बनाइज कंट्री हो गया है भूटान, ठीक है, साउथ एशिया में। और सबसे कम कौन सा हो गया है, नेपाल, सबसे कम नेपाल है। तो नेपाल से ज़्यादा है इंडिया, और फिर इन चारों में से बता रहा हूँ, फिर उससे ज़्यादा है पाकिस्तान, और उससे सबसे ज़्यादा है भूटान। तो भूटान सबसे ज़्यादा हो गया, ये जरूर ध्यान रखिएगा साउथ एशिया में। और सबसे जो मतलब लीस्ट अर्बनाइज अगर पूरे साउथ एशिया में बात की जाएगी तो कौन सा है, तो श्रीलंका हो गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा फैक्ट याद रखिएगा, मैंने दिया हुआ है उसमें, और बाकी सब भी काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है। 25 का आपको बताना है कि कौन सा स्टेट का जो है लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम है। अब उसके लिए लेकिन चार यहाँ पे स्टेट दिए गए हैं, पहले आपको इन स्टेट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा। वैसे लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम किसकी है, बिहार की है, ठीक है। और इसमें जो चारों यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, देखिए इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ एरिया इन इंडिया, ये कौन सा होगा आपका। देखिए एरिया वाइज तो गोवा है, और ये पॉपुलेशन वाइज सिक्किम है, और हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया एब्सोल्यूट वाइज तो एमपी है, और लार्जेस्ट लीचिंग लीची जो जहाँ पे होती है वो है बिहार। अब इनमें से बताना है, पहले ये स्टेट आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर इनमें से सबसे कम जो लोएस्ट वो पर कैपिटा इनकम किसकी है, वो है बिहार की। सबसे ज़्यादा किसकी, वो है गोवा की, याद रखिएगा। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया, ठीक है। तो पहले ये रिकॉग्नाइज करना था इसमें, मतलब मेन चीज़ यही है, थोड़ा सा वैसा लगेगा लेकिन थोड़ी दिमाग की एक्सरसाइज होती है इससे, ठीक है। 26 में बताना है आपको, कुछ स्टेट दिए गए हैं, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरिया में यहाँ पे अरेंज करना है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है, 3-2-1। देखिए ये हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसकी, गोवा की है। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर किसका है, मिजोरम का है। और थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसकी है, बिहार की। अब इन तीनों को आपने स्टेट को पहचान लिया, फिर उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे बड़ा हो गया बिहार यानी कि 3, उससे छोटा हो गया मिजोरम, और उससे छोटा हो गया गोवा, यानी कि 3-2-1 सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 27 में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये बताने हैं इसमें से करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। 1-2-3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, एकदम फैक्ट्स हैं ये, देख लीजिएगा इसको। 28 में आपको करेक्ट बताना है और इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। कोई और कन्फ्यूज़न अगर लगे आपको तो ज़रूर बताइएगा, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र के बारे में है, मौर्य के टाइम पे लिखी गई थी और 15 चैप्टर थे, और ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और ये भी बताया गया है कि जो है लिखने की जो है आपका ट्रेडिशन, उससे पहले भी था, क्योंकि कौटिल्य ने रिकॉग्नाइज़ किया है जो उसकी फील्ड के प्रेडिसेसर्स थे, कि हाँ उनकी भी जो राइटिंग थी उनको रिकॉग्नाइज़ किया है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट बात है। 28 का सी है, 29 में बताना है इनकरेक्ट, इसका करेक्ट आंसर है ए, तीसरा वाला जो है वो गलत है। और इसमें जो लिखा हुआ है संगम लिटरेचर क्या क्या डिस्क्राइब करता है, किंग्स और डायनेस्टी की, साउथ के भी और नॉर्थ के भी। ऐसा नहीं नॉर्थ के क्यों करेगा, साउथ के ही तो करेगा, ठीक है। तो थर्ड वाले का करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, ए सॉरी ए है थर्ड वाले का, 29 वाले का ए है। मतलब 2030 जो है आपका एजेंडा किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे उनसे रिलेटेड है ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्लस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के लिए पूरी ट्रिक बता चुका हूँ। बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो है हमको कब तक कितने गोल अचीव करने हैं, वो चलो लिख ही दिया, कितने टारगेट हैं उसके, ये बताइए नंबर ऑफ टारगेट कितने हैं, और उसके अंडर में कितनी फील्ड्स हैं, ठीक है, ये तीन चीज़ बतानी है आपको। 31 वाले का टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है एज़ पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के हिसाब से, 24.3 समथिंग था, 24.36 था शायद। तो 31 का करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि यहाँ पे आपको ये पहचानना है कि कितना है, मतलब ठीक है 31 का ए है। 32 में बताना है आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे, और इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, चारों स्टेटमेंट सही हैं, ये बस कुछ फैक्ट्स हैं वो लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे। 33 में कौन सी कंट्री का हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है परसेंटेज वाइज बताना है आपको, इसका करेक्ट आंसर है ए, ठीक है, जापान है इन चारों में से अगर देखा जाएगा। अच्छा ये बताइए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज किसका है, और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एब्सोल्यूट किसका है, किस कंट्री का है। 34 में आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्थान है ये जो कि कश्मीर वैली में लोकेटेड, और यहाँ पे जो मानव कंकाल के साथ साथ
कुत्ते के कंकाल भी मिले हैं और डियर यानी कि हिरण के कंकाल भी मिले हैं, हिरण की हड्डियाँ भी मिली हैं। इसका करेक्ट आंसर 34 का बी, बुरजोम। ठीक है, 35 क्वेश्चन है ये। 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी उसमें से ये जो पांच रीज़न दिए हुए हैं इनमें से कौन सा रीज़न जो है उसका, कौन सा जो है वो 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस का रीज़न कहा जा सकता है। 35 का करेक्ट आंसर है डी, वन केवल। ठीक है, एक्सटर्नल डेब्ट बहुत ज़्यादा था, बाकी तो इररिलेवेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। 36 में क्या क्या गोल्स थे 5-year plan के इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद, ये बताना है। 36 का करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, 1, 2 और 3, 5, यहाँ पे नेशनलाइजेशन कोई गोल नहीं था। ठीक है, 5-year plan के गोल्स पूछे हैं यहाँ पे, अगर आप इसको देखेंगे पूरा तो नेशनलाइजेशन कोई गोल नहीं था, ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन सेल्फ रिलायंस और इक्विटी तो था। फाइनेंशियल सेक्टर आपने देखा होगा आरबीआई रेगुलेट करता है, फाइनेंशियल सेक्टर में आता क्या क्या है ये पूछा गया है, और ये करेक्ट आंसर है डी, 6 के 6 आते हैं ये। ठीक है, 38 में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है कि ये देश में जो है वो सर्वोच्च संस्था है, और ये जो है कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री और सब जो अदर रूरल इंडस्ट्री को यहाँ पे कुल मिला के देखभाल करती है। अब इसमें और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इस इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना है कौन से इंस्टीट्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। 38 का करेक्ट आंसर होगा नाबार्ड। 39 में बताना है, तीन चीज़ें दी हुई हैं और यहाँ पे करेक्ट बताना है। ठीक है, करेंसी से रिलेटेड यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 1 और 2। ठीक है, कोई भी अगर इंडियन जो है वो लीगली रिफ्यूज़ नहीं कर सकता अगर उसको पेमेंट रुपी में किया जाए, और करेंसी का मतलब ही वही होता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अगर उस करेंसी को उस देश की सरकार ने ऑथराइज किया हुआ है। ठीक है, पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था कि आपके पास कुछ सामान है दूसरे के पास कुछ, आपके पास टमाटर है दूसरे के पास आलू है, आपको आलू चाहिए आप उनको टमाटर दे दो, उनको टमाटर चाहिए होगा तो वो ले लो, लेकिन उसमें बहुत सारी समस्याएं थी क्योंकि अगर आपके पास टमाटर है और आपको आलू चाहिए तो किसी दूसरे के पास मान लो कुछ और चीज़ है, आपको ऐसे ही आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसके पास आलू हो, या फिर बहुत सारी और भी समस्याएं होती थी, इसीलिए ये लाया गया था करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। करेंसी की भी अगर आप डेवलपमेंट देखेंगे, पहले कभी सिक्के होते थे सोने के, कॉपर के, एल्यूमिनियम के, धीरे धीरे आजकल नोट हो गया है, फिर डिजिटल हो गई करेंसी, क्रेडिट कार्ड हो गया है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारी चीज़ें आजकल डेवलप हो गई हैं। इंडिया में कौन जो है ये रुपी को, जो इंडिया का कानून है वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये मीडियम ऑफ पेमेंट होगा, कोई इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। थर्ड वाला जो आंसर है यहाँ पे गलत है, पहला और दूसरा सही है। 39 का करेक्ट आंसर है ए। 40 में इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे आपको, और इसका करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि ये चारों जो स्टेटमेंट है, तीनों जो स्टेटमेंट है सॉरी, तीनों ही जो है ये करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, देखिए जीएनपी की तो डेफिनेशन ही यही है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रमोट करना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। कॉमर्शियल बैंक जो है इंडिया में हाईएस्ट शेयर है इसका, जो क्रेडिट देता है एग्रीकल्चर और जो अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए, तो 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। 41 इसका करेक्ट आंसर बताइए यहाँ पे, कि जो 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट था वो क्यों इंपॉर्टेंट था, उसकी इंपॉर्टेंस से रिलेटेड तीन स्टेटमेंट दिए हैं और इनमें से आपको करेक्ट बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 2। ठीक है, इसने सुप्रीम कोर्ट तो इस्टेब्लिश की थी लेकिन बॉम्बे में नहीं की थी, कैलकटा में की थी 1774 में, याद रखिएगा। 42 इनमें से सदर निजामत अदालत के बारे में दो स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है इनमें से करेक्ट। 42 का करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, 42 का करेक्ट आंसर क्या है, सी है यहाँ पे, ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जो इसको सेटअप किया गया था कब, ये जो कलकत्ता में सेटअप किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के टाइम पे, सुप्रीम कोर्ट भी किया गया था, सदर निजामत अदालत भी किया गया था, कोर्ट ऑफ अपील है ये। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, जैसे 2019 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पिछली बार जैसे हमारी जो टेस्ट सीरीज थी काफ़ी अनऑर्गेनाइज थी, और इस बार इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज के लिए स्पेशली एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ, वहाँ पे वो उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, 2019 टेस्ट सीरीज होगी वो, तो जितने भी टेस्ट सीरीज हैं उनके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलेंगे पेड ग्रुप वालों को, और जो यहाँ पे हमारे बाकी सब्सक्राइबर हैं वो यहाँ पे पेड ग्रुप, ये मतलब ये जो इसमें आप देखिएगा इसमें, और अपना स्कोर बताइएगा कितना स्कोर हुआ कमेंट करके, एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब आगे जितने भी 15 टेस्ट आएंगे प्लस UPSC के और प्लस और भी जितने टेस्ट आएंगे। 43 में ये तीन चार स्टेटमेंट दिए, इसमें से आपको बताना है कौन सा एक्ट है ये, और इसका करेक्ट आंसर है ए।
1833 वाले एक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। नॉर्मल सो क्वेश्चन है, इसके बारे में पूरा मैं लक्ष्मीकांत पॉलिटी जो हमारे वीडियोज हैं उनमें बता चुका हूँ, वीडियोज देख लीजिएगा आप। 44 में बताना है, ये चार चीज़ें दी हुई हैं, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, पहले कौन आया, बाद में कौन आया, उसके बाद कौन आया, ऐसे करके। इसका करेक्ट आंसर होगा 44 का बी, 4132। देखिए जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो आया था 1784 में, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड वाले 1919 के आसपास आए थे, सेंट हेलेना वाला एक्ट है 1833 वाले को बोलते हैं, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको बोलते हैं, 1781 वाले को। तो यानी कि 4132, 4132 इसका आंसर होगा बी। 45 में बताना है, यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है उसमें से करेक्ट बताना है, इसका करेक्ट आंसर है सी, तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, देख लीजिएगा। नॉर्मल करंट अफेयर है ये, ESIC एक ऑटोनोमस ये है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में है, स्टैटूटरी बॉडी है क्योंकि एक एक्ट के थ्रू क्रिएट की गई थी, अभी इसको एक अवार्ड मिला है ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड, ठीक है, इसका आंसर है सी। फिर नेक्स्ट है इसमें कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के लिए पहली बार मांग कब की गई थी ये बताना है, इसका करेक्ट आंसर है बी। देखिए पहले MN रॉय ने की थी 1934 में डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए कि हम इंडियंस ही अपना संविधान बनाएंगे, उसके बाद फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी मान लिया था और ये जो है डिमांड करना चालू कर दी थी। 46 का करेक्ट आंसर होगा डी। 47 का यहाँ पे बताना है आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कौन कौन से फंक्शन, इन जो सात दिए हैं छः, इनमें से कौन कौन से फंक्शन किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा ने, इसका करेक्ट आंसर है 47 का ए। ये छः की छः चीज़ें की थी जो संविधान को बनाया था, लॉज को इनेक्ट किया था, प्लस ये सब भी किया था, कॉमनवेल्थ में जो इंडिया की मेंबरशिप होगी उसको रेटिफाई किया था, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था 22 जुलाई को, ये डेट भी याद रखिएगा स्टेट पीसीएस वाले लोग, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था 24 जनवरी को, नेशनल सॉन्ग को किया था 24 जनवरी 1950 को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट भी यहाँ पे इलेक्ट किया था 24 जनवरी को, ठीक है। तो ये छः के छः स्टेटमेंट याद रखिएगा। तो संविधान सभा के वजह से पहले जो है वो सभापति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो परमानेंट बनाए गए थे, एक टेम्परेरी बनाए गए थे, उनका नाम बताइए जल्दी से। 48 पहले और लास्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे उनका नाम था आप सी राजगोपालाचारी, वो आप जानते ही, उनको किसने अपॉइंट किया था ये यहाँ पे पूछा गया चाह रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर है 48 का ए, ब्रिटिश क्राउन ने किया था, क्योंकि जो आपका अगर देखेंगे तो रिपब्लिक तो इंडिया कब बना है 1950 में ना, 26 जनवरी 1950 तक, उससे पहले तक जो अपॉइंटमेंट हो रहे थे वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर हो रहे थे, इसका आंसर है ए। 49 में करेक्ट आंसर बताना है और इसका करेक्ट आंसर है सी। 42nd amendment वाला, ठीक है, और प्रियम्बल को बिल्कुल पार्ट भी माना जाता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, तीसरा वाला सही है। सोवरेंटी का ये मतलब होता है कि कोई बाहरी ताकत हमको नहीं बता सकती है कि कैसे हमको चलाना है गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें मतलब डिक्टेट नहीं कर सकती है, दबाव नहीं बना सकती है, 49 का है सी इसीलिए, ठीक है। 50 वाले का करेक्ट आंसर बताना है आपको और 50 वाले का करेक्ट आंसर होगा ए, केवल पहला वाला वर्ड सही है यहाँ पे, मतलब आंसर सही है, और लास्ट वाला जो है गलत है, तो सेकंड वाला गलत है। ये जो आपका सोशलिस्ट वर्ड का मतलब इंट्रोड्यूस करने का मेन एम क्या था, इनइक्वालिटी जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक उनको ख़त्म करने के लिए, रिलीजियस अफेयर्स वाला कोई यहाँ पे हिसाब किताब नहीं है। 50 का करेक्ट आंसर था यहाँ पे ए। 51 बताना है करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर है डी। सेकुलर जो टर्म है उसको 42nd से किया गया था, 44 से नहीं, ठीक है। और इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसलिए क्योंकि जो हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट जी हमारे, उनको लोगों द्वारा ही चुना जाता है, हालांकि डायरेक्टली नहीं चुना जाता है, इनडायरेक्टली चुना जाता है। प्रेसिडेंट का पूरा लेक्चर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ यूट्यूब में अपलोड, जो लक्ष्मीकांत की पूरी लिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। इंडिया जो रिपब्लिक पॉलिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई हेरिडिटरी नहीं है, मतलब राजा ऐसा नहीं कि राजा का जो वारिस है वही राजा बनेगा, राजा वाला हिसाब किताब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ब्रिटेन में होता है ऐसे। 52nd वाले का करेक्ट आंसर बताना है कि अगर इंडिया में किसी राज्य का नाम चेंज करना है तो कौन कौन कर सकता है, कौन कौन ऑथराइज है। 52nd का करेक्ट आंसर है डी। ये चारों ये जो ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट नाम चेंज कर सकता है किसी भी स्टेट का, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए था सिर्फ पार्लियामेंट, यानी कि वन वो है नहीं, यानी कि नन होगा इसका। 53rd, किस कंट्री का हाईएस्ट रैंकिंग है एज पर HDI 2018 इंडेक्स,
इन चारों में से बस पूछ रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। ठीक है, 54 इनमें से कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं, इसका करेक्ट आंसर है सी 1345। टू वाला नहीं, राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये वाला जो है अभी लेटेस्ट जोड़ा गया था, राइट टू प्राइवेसी भी है आर्टिकल 21 में जोड़ा गया, तो वह भी फंडामेंटल राइट हो गया है, तो इसका आंसर है सी 55। इनमें से क्या क्या चीज़ें जो है इंडियन सिटीजन्स को फोर्स की जा सकती हैं इन चारों चीज़ों में से, इसका करेक्ट आंसर होगा, बताइए जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इन चारों, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, नेशनल सॉन्ग जो है उसको गाने के लिए कोई थोड़ी ना फोर्स किया जा सकता है, योगा भी नहीं फोर्स किया जा सकता है, फंडामेंटल ड्यूटी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ये इन्फोर्सेबल भी नहीं है, कोर्ट के थ्रू भी नहीं कराई जा सकती है ये, जैसे फंडामेंटल राइट अगर आपको वायल्यूट हो गया तो फिर आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी किसी ने नहीं मानी तो ऐसा नहीं कि सरकार कोर्ट चली जाएगी कि नहीं नागरिकों को फंडामेंटल ड्यूटी माननी है। और दूसरी बात है जो थिएटर में चलता है जैसे नेशनल एंथम, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था अभी कि आप किसी को ऐसे फोर्स नहीं कर सकते हो खड़े होने के लिए, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे बेस्ड है। 56 करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं वो स्टेट वाइज आपकी डिटरमाइन की जाती हैं, और ये वाला तो एक फंडामेंटल राइट है ही, आर्टिकल 32 में आप जानते हैं इसको, फंडामेंटल राइट में हमने देखा था। 57 वाले का करेक्ट आंसर होगा, कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट है डीपीएसपी के यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के, 57 का करेक्ट आंसर है सी, चारों ही हैं ये, ठीक है, डीपीएसपी वाला अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे सब बताया हुआ डिटेल में, चारों ही हैं ये। 58 इसका बताना है, कुछ यहाँ पे बात बताई गई है किसी चीज़ के ऊपर, वो जो वो है वो क्या है वो पूछा है आपसे, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ए, फैक्चुअल चीज़ है, इसमें नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे, आप देख लीजिए पढ़ लीजिए। 59 इंडियन फेडरल सिस्टम किस पे बेस्ड है, करेक्ट आंसर है कनाडा, ठीक है, 59 का सी है। 60 जो है अगर आपको फंडामेंटल राइट का स्कोप बढ़ाना है तो कौन कौन ऑथराइज है इनमें से, 60 का करेक्ट आंसर है डी, ठीक है, 1, 2, 4 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पार्लियामेंट, ठीक है, ये यहाँ पे है इंपॉर्टेंट। 61 वाले का इनकरेक्ट वाला बताना है सी, इसका करेक्ट आंसर है सी, इनकरेक्ट पूछा था यहाँ पे, ये जो है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर्टिकल 24 में, बाकी दोनों ठीक हैं, ठीक है, आर्टिकल जो 14 में रूल ऑफ लॉ का मतलब ही है कि अगर लॉ को वायलेट नहीं किया गया तो स्टेट पनिश नहीं कर सकता है नागरिकों को। लाइफ और पर्सनल लिबर्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है सॉरी यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया था, इनकरेक्ट, एक मिनट रुकिए जरा, देखिए यहाँ पे ये करेक्शन है, ये 21 होगा, यहाँ पे 21 आता है इसमें, ठीक है, ये 21 है और फिर ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 यानी कि सी, तो ये क्वेश्चन में करेक्शन है, 61 वाले क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पे 21 होना चाहिए। 62 में आपको बताना है करेक्ट यहाँ पे, और इसका करेक्ट आंसर है 62 का सी, चारों ही सही हैं, कौन सी जगह क्या मिला था इससे रिलेटेड है ये। 63 में बताना है आपको इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट वाला बताना है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा इसका आंसर है बी, ठीक है, जो पहला वाला है बस वो करेक्ट है और बाकी ये तीनों गलत हैं, ठीक है। 64 में आपको बताना है कि कौन कौन से जो जानवर हैं को रिप्रेजेंट किया गया था, सील और जो टेराकोटा मिली हैं यहाँ पे हरप्पन कल्चर में, इसका करेक्ट आंसर होगा 64 का बी, 1, 2, 3 गाय नहीं मिली कहीं, बाकी ये तीनों जो जानवर हैं ये टेराकोटा में मिले हैं। 65 में कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई और उसके लीडर कौन थे, ये सबको मैच द फॉलोइंग करना है, 65 का करेक्ट आंसर होगा डी, इनकरेक्ट यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये एक्चुअली ये वाला है और ये जो है ये वाला है, ठीक है, पहली काउंसिल वैशाली में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे महाकश्यपा थे और उस टाइम राजा कौन था, अजातशत्रु। सेकेंड काउंसिल राजगिरी में हुई थी और आपका नहीं, यहाँ पे एक्चुअली पहला दूसरा गलत है, ये जो है यहाँ पे फर्स्ट काउंसिल होना चाहिए, यहाँ पे सेकंड काउंसिल होना चाहिए। पहली काउंसिल हुई थी राजगृह में, महाकश्यपा इसके अध्यक्ष थे, अजातशत्रु राजा थे। सेकंड काउंसिल हुई थी वैशाली में, सभा कमी इसके अध्यक्ष थे, कालाशोका राजा थे। थर्ड काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में, मोगलीपुत्र तिस्सा इसके अध्यक्ष थे, अशोका के टाइम पर हुई थी। फोर्थ काउंसिल हुई थी कश्मीर में, वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्का के टाइम पर हुई थी, ठीक है। RVP के मैंने आपको बताया भी हुआ है, इसके प्लेस को याद रखने का ट्रिक, कहाँ कहाँ पे हुई थी उससे रिलेटेड। तो 65 का इनकरेक्ट पूछा था, इसलिए आंसर है डी,
66 में भी इनकरेक्ट पूछा है, जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा 66 का बी। तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इसलिए कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। अगर आप देखेंगे जो मिलिट्री गवर्नेंस गवर्नरशिप की प्रैक्टिस सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी ग्रीक्स ने, और अगर आप देखें तो अलेक्जेंडर ने जब हमला किया था तो उस टाइम कौन डायनेस्टी रूल करती थी नॉर्थ इंडिया को, नंदा डायनेस्टी। और जैनिज्म को एक्चुअली जैनिज्म में ना एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट है नॉन वायलेंस का। इवन वो लोग ये भी कहते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर में आप फर्टिलाइजर ये सब पेस्टिसाइड छिड़कते हो तो उससे जानवरों कीटाणु मर जाते हैं, तो इसलिए भी आपको ये भी नहीं करना चाहिए। तो यही एक रीज़न लिखा हुआ है, इसीलिए कई सारे एग्रीकल्चरिस्ट ने ज्वाइन नहीं किया था जैनिज्म को। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए आंसर होगा बी। 67 का करेक्ट बताना है यहाँ पे। बफर स्टॉक से रिलेटेड दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। बफर स्टॉक को वैसे अभी जो अगर आप देखेंगे तो इंडिया में बफर स्टॉक नहीं बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इंडिया में एक टर्म होता है यूज़ फूड ग्रेन स्टॉकिंग नॉर्म्स करके होता है यूज़, ठीक है, वो वही है यहाँ पे समझ लीजिए बफर स्टॉक का। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो वरना। सी है इसका करेक्ट आंसर। 68 में MSP को कौन फिक्स करता है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसको, इसका करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। MSP को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है और इसके किसकी रिकमेंडेशन पे करती है, CACP, ठीक है, जो कमीशन होता है ना, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस करके ऐसा ही कुछ कमीशन होता है, उसकी रिकमेंडेशन पे। 69 में करेक्ट आंसर बताना है आपको, इसका करेक्ट आंसर है बी। दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। 70 में करेक्ट आंसर बताना है यहाँ पे, और इसका करेक्ट आंसर है डी। यहाँ पे जो है आपको 70 में, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर बी, तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों मतलब मैच द फॉलोइंग सही है। ये मेगास्थनीज मौर्य के टाइम पे आया था, फाइन गुप्ता के टाइम पे, और ह्यून सॉन्ग जो है गुप्ता के पीरियड के बाद पोस्ट गुप्ता में आया था। 71 का बताना है इनकरेक्ट, इसका करेक्ट आंसर है डी, तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। ये एक्चुअली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, जो मेरी टेस्ट सीरीज को रट जरूर लीजिएगा, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन यहीं से लिए जा सकते हैं, बहुत ही खोजबीन के लाया हूँ, करीबन 3 दिन लगे हैं इसमें। तो मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो मेरी टेस्ट सीरीज, मान लीजिए अगर आपके कोई नंबर भी नहीं आ रहे हैं उसके फैक्ट एज इट इज़ रट लीजिएगा इसको, ठीक है। आते हैं ये, एग्ज़ाम में आए हैं, UPPCS में भी आए थे, अभी आगे आने वाले MPPCS और इन सब में भी आ सकते हैं, BPSC और CGPCS सब में, जितने भी स्टेट पीसेस हैं, ये पूरे जितने भी स्टेट पीसेस हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 2019 के किसी भी स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 72 का करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, इसीलिए ये गलत कोई नहीं है। तो रूपका जो है वो गुप्ता रूलन से किया था, नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा कहाँ मिले हैं, भरतपुर राजस्थान में। 73 का करेक्ट आंसर बताना है आपको, इसका करेक्ट आंसर है, अब देखिए ये जो है इसमें पूछा गया है कि हाईएस्ट डायउर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहाँ पे मिलेगी, मतलब कि आपका मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर के डिफरेंस वो कहाँ पे हाईएस्ट मिलेगा। अब देखिए जो कोस्टल एरिया है बेंगलुरु, वहाँ पे तो लगभग जो टेम्परेचर का वेरिएशन इतना होता ही नहीं, तो वहाँ तो नहीं मिलेगा ये। नागपुर मिडिल में है एकदम, ले जो सबसे ऊपर हो गया, थार डिजर्ट ऐसी जगह है जहाँ पे जो है टेम्परेचर रेंज जो है हाईएस्ट होती है, क्योंकि रात में टेम्परेचर आपका माइनस तक पहुँच जाता है और दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो रेंज सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई, डी करेक्ट बताना है इसमें से। 74 का करेक्ट आंसर है सी। ये एक्चुअली क्या है, झूमिंग जो कल्टिवेशन होता है ना, स्लैश एंड बर्न, NCERT के क्वेश्चन है, कहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, बस उसी से रिलेटेड यहाँ पे मैं तो बोलेंगे सारे के सारे सही हैं, लिस्ट को रट लीजिएगा। 75 का करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है, 75 का करेक्ट आंसर डी। ये इसके कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे और ये पूछा था कि वाज ही, अच्छा ये ही यहाँ पे लिखना भूल गया, वाज ही लिखना चाहिए था, इसका करेक्ट आंसर है डी। फिर ये इग्नियस रॉक के बारे में दो स्टेटमेंट हैं और इसका बताना है आपको करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर है सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इग्नियस रॉक जो है वो प्राइमरी रॉक्स हैं और वो पेरेंट रॉक भी बोला जाता है, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है पूरी अर्थ क्रस्ट में इग्नियस रॉक्स ही, तो सी है। 77 का इनकरेक्ट और इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है। सबसे ज़्यादा जिस नदी का नाम मेंशनड है वो है सिंधु अर्ली वैदिक कल्चर में, और 5 जो है कार्डिनल प्रिंसिपल, अगर 5 के 5 फॉलो किए जाते हैं जैनिज्म में तो महाव्रत बोलते हैं, अगर 1 किया जाता है मतलब सॉरी मॉन्ग के द्वारा किए जाते हैं तो महाव्रत, और अगर कोई ऐसा नॉर्मल फॉलोअर के द्वारा तो अनुव्रत। तो ये जो है आपका अनुव्रत और महाव्रत किससे रिलेटेड है, जैनिज्म से, ये क्वेश्चन भी आ सकता है।
ठीक है, 77 का इसका आंसर हो जाएगा सी। 78 में बताना है तीन स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे, सॉरी। इसमें से इनकरेक्ट आपको लग रहा होगा सी, ऐसा नहीं है, इसमें इनकरेक्ट आंसर है डी, क्योंकि जो डीपीएसपी है वो सोशलिस्ट गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल है, लेकिन ये कहीं ऐसा सुप्रीम सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में नहीं लिखा हुआ है, वो ऐसे ही क्लासिफाई कर लिया गया है कि जिस टाइप की प्रॉपर्टी उस, अगर गांधीजम वाली प्रॉपर्टी मैच कर रही है तो गांधीयन वाली, सोशलिस्ट वाली मैच कर रही है तो सोशलिस्ट, ऐसा कि लेकिन संविधान में नहीं लिखा हुआ है। डीपीएसपी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो साफ साफ उसमें लिखा हुआ है, ये डीपीएसपी वाला मैंने पूरा डिकोड किया हुआ है, यूट्यूब में देख लीजिएगा आप। 78 का आंसर होगा सी, सॉरी डी, इनकरेक्ट वाला डी है, ठीक है। 79 वाले में इनकरेक्ट बताना है और उसका करेक्ट आंसर है डी, सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। ये आप रट लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लाया हूँ यहाँ पे। डीपीएसपी जो है एक्चुअली जो है वो 38 से 51 तक में है। 36 वाला तो है डिफिनेशन ऑफ स्टेट, और 37 क्या है कि नेचर और सिग्निफिकेंस कैसा होगा डीपीएसपी का, वो बताता है। ग्रैनुअल ऑस्टिन ने बोला था कि डीपीएसपी को कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की मूल आत्मा कहा था डीपीएसपी को, ठीक है। ये किसने बोला था, ग्रैनुअल ऑस्टिन ने, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 80 वाले में बताना है कि 97 जो अमेंडमेंट हुआ था उसने कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा था, 97 वाला जो उसने जोड़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, तो ए इसका आंसर है। 81 वाले का करेक्ट आंसर बताना है, ये देखिए चार स्टेट हैं, इनको पहले आपको फाउंड करना है और फिर बताना है इनमें से साउदर्न मोस्ट कौन सा है, ठीक है। ये करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जी के सब कुछ मिला जुला के क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ए, ए यानी कि ए का मतलब है ये तमिलनाडु, तमिलनाडु ने अभी रिसेंटली ये स्कीम चालू की है। बी वाले में आंध्र प्रदेश आएगा, जिसने टॉप किया है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, जिसको कौन पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सी वाला जो है वो यूपी है, और डी वो तो है उड़ीसा, तो सबसे साउथर्न मोस्ट कौन सा है, तमिलनाडु। 81 का ए है। 2018 का बेस्ट फीफा प्लेयर कहाँ से है ये पूछा है, नाम नहीं पूछा है, नाम तो आपको पता ही होगा, लूका मोड्रिक, ठीक है। वो कहाँ से, क्रोशिया से है, सी एस का आंसर। कुछ सरल क्वेश्चन दिए हैं, इसमें कंट्री आपको आइडेंटिफाई करनी है कि इस कंट्री में अभी पहली वुमेन ओनली फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी, और ये जो कंट्री है जिसमें लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है पूरी दुनिया की, इसका करेक्ट आंसर है डी, कोई भी नहीं है, ये कनाडा है। इब्राहिम मोहम्मद सोली किससे रिलेटेड है, ये अगर आप देखा होगा कि अभी मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे उसमें जीता था ये, और ये इसीलिए पॉलिटिक्स से रिलेटेड हुआ है, ऑपोजिशन लीडर थे। 85 का इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे, और इसका करेक्ट आंसर है बी, तीनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप, नॉर्मल से फैक्ट हैं। सेफर इनिशिएटिव को WHO ने स्टार्ट किया है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है ये बताना है। 86 का करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। 87 वाले में बताना है आपको, ये देखिए तीन इनके हेडक्वार्टर पहले आपको रिकॉग्नाइज करने हैं, फिर इनको नॉर्थ से साउथ तक अरेंज करना है। 87 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी। देखिए इसका जो है UNCTAD यानी इसका है जिनेवा, यूनेस्को का पेरिस है, और ISA इंटरनेशनल सोलर एनर्जी तो गुड़गांव है, सबसे ऊपर है पेरिस, फिर जिनेवा है, फिर गुड़गांव है, तो इस हिसाब से हो गया 213। इसमें सिटी आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी सिटी है, ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सब बता चुका हूँ मैं पुरानी वाली टेस्ट सीरीज में, अगर आप देखते होंगे, ठीक है। इंडिया की सेफेस्ट सिटी कौन सी है ये आपको बताना है, सेकंड सेफेस्ट तो ये वाली है, इसका आंसर है कोलकाता, और इस सिटी ने अभी इंडिया का पहला फ्लड फोरकास्टिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लॉन्च किया है। 89 में बताना है आपको कि आयुष्मान भारत जो आई थी स्कीम, उसमें से कौन कौन सी स्कीम को सब्स्यूम कर दिया गया है, मतलब इसमें मिला दिया गया है। 89 का करेक्ट आंसर है ए, 102, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। 90 का इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे, सॉरी 90 का करेक्ट, ये आंसर करेक्ट कौन सा होगा, यहाँ पे सी होगा, इनकरेक्ट पूछा था। और इंडिया का पहला मिथेनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम कहाँ पे किया गया है, असम में किया गया है, साउथ इंडियन स्टेट में नहीं किया गया है, तो इसीलिए ये वाला गलत है, बाकी दोनों सही है। 91 में फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी कौन है RBI की, ये इन चारों में से ही बताना है, करेक्ट आंसर है इसका ए, 1, 2, 3। 92 बताना है यहाँ पे, और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेट ने अभी डिसाइड किया है कि ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे LWE यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कोप अप करने के लिए, इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है 92 का डी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 93 में करेक्ट बताना है
करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है ये, सी इज का आंसर, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नॉर्मल से फैक्ट्स हैं बस यहाँ पे। 94 में बताना है आपको करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। पर्यटन पर्व को कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, और केरला को दो अभी मिले हैं प्राइज मिले हैं, ये पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन की तरफ से गोल्ड अवार्ड मिले हैं इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए। 95 में कौन सी दो सिटी ने अभी फ्रेंडशिप और कॉरपोरेशन एग्रीमेंट साइन किया है, 12 जो फील्ड हैं उनमें एक्सपर्टीज साझा करने के लिए, दिल्ली और सियोल ने, ठीक है। 95 का ए है करेक्ट आंसर। 96 में पुडुचेरी कौन कौन से स्टेट को टच करता है, मतलब किससे बाउंड्री शेयर करता है, तीनों स्टेट से करता है, डी इसका आंसर। इनकरेक्ट बताना है 97 में, इसका करेक्ट आंसर है बी। ये चारों जो हैं वो रियल मतलब करेक्ट मैच हैं ये। 98 में बताना है आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, नीति आयोग का प्रोग्राम ये तो पता ही होगा आपको, सी है इसका आंसर, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है। 99 में गोल्ड ETF क्या है, इससे रिलेटेड पूछा है ये, क्लोजली रिलेटेड पूछा है किससे, ये डी है इसका आंसर, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है ये। 100 लास्ट क्वेश्चन है ये इसका। और नॉर्थ ईस्ट जो सर्किट थी, सबसे पहला प्रोजेक्ट कहाँ पे किया गया, मणिपुर में किया गया, सी इसका आंसर, ठीक है। इसी के साथ ही ख़त्म हुआ, और अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो ये कर सकते हैं, ये पिछली बार का लिखा हुआ है, फॉर्मेट एक्चुअली वही है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ भी मैं इसे बाद में लॉन्च करूँगा इसको, ये पेड ग्रुप वालों के लिए था, एक्सप्लेनेशन के लिए। ऑल द बेस्ट है सबको, बताइएगा आपका कितना स्कोर आया अगर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। अगर आप पार्टिसिपेट करते रहे तो पेड ग्रुप के जितने भी वीडियोज़, वैसे वीडियोज़ तो फ्री हैं ही, लेकिन आपको ये मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, और इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी 2019 में, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं पीसीएस के लिए तो प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इसी में पूरे नोटिफिकेशन आते हैं, यूट्यूब में नहीं आ पाते हैं, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा एक बार।